बात करेंगे। उत्तराखंड की राजनीति में दल बदल का खेल जारी है। प्रदेश में सभी सियासी पार्टियां जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टिहरी के पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर धन सिंह नेगी ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था और 2022 में धन सिंह नेगी ने टिहरी विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद एक बार फिर उनका बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो आपको बता दें, जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे अब जो दल बदली की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में आने का सिलसिला भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब एक और झटका यहां पर कांग्रेस को लगा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे, सभी सियासी पार्टियां अब जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई हैं। एक नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये गर्मराहट जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और अब संभावनाएं हैं कि वो बीजेपी में बहुत जल्दी शामिल हो जाएं और 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी। उस टाइम वो कांग्रेस में आए थे लेकिन अब वापस वो बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है और एक एक नेता करके जो छोड़े जा रहे हैं इससे सीधा सीधा कितना प्रभाव, कितना असर और कितना फायदा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प है। तो आपको बताना चाहेंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टिहरी से पूर्व विधायक धन सिंह नेगी ने कांग्रेस छोड़ी है और इस्तीफा दे दिया है। धनराज गर्ग हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। धनराज, ये दल बदल की राजनीति हो रही है, एक नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, उत्तराखंड में भी ये देखने को मिल रहा है, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कितना बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए और कितना फायदा है बीजेपी के लिए, क्योंकि ये बीजेपी में पहले रह चुके हैं, उसके बाद कांग्रेस में गए थे लेकिन वापस वो अब कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आने की अटकलें तेज हो गई हैं। बिल्कुल शीतल, देखिए आप समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले जो दल बदलों का सिलसिला है वो उत्तराखंड के अंदर जारी हो चुका है, क्योंकि आप देखिएगा कि कांग्रेस को कई झटके उत्तराखंड के अंदर अभी हाल फिलहाल में ही लग चुके हैं, क्योंकि जो पूर्व विधायक है विजय सजवान जो कांग्रेस में आए हैं, उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो हरक सिंह रावत है उनकी जो बहू है अनुकृति गोसाई वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं, और उसके साथ ही आप देखिएगा कि जो धन सिंह नेगी हैं जो 2022 में बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस के टिकट पर टिहरी से वो चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे, और उसके बाद अब देखिएगा कि टिकट से खफा होकर, क्योंकि धन सिंह नेगी भी लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं टिकट मांग रहे थे और उससे खफा होकर अब वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के सदस्य थे उन्होंने छोड़ दिया और अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, इससे बीजेपी को जो लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं बढ़त जरूर मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि आप देखिएगा कि जो कांग्रेस है उसका कहीं ना कहीं अंदरूनी जो झगड़ा है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार देखने में आता है कि उनके जो अंदरूनी झगड़े हैं वो देखने को मिलते हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नुकसान जरूर पहुंचाते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी इसी तरीके से कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो निकलकर सामने आई थी और जिसके कारण कई विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था, और वही प्रक्रिया अब फिर शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड की हैं उसमें भारी नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। बिल्कुल, और मैं ये भी जानना चाहूंगा, धन सिंह नेगी के आने से और कांग्रेस में उस क्षेत्र में बीजेपी को खास तौर पर कितना फायदा होने वाला है जिस क्षेत्र से वो विधायक भी रह चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए शीतल, यदि हम बात करें धन सिंह नेगी की, तो धन सिंह नेगी का एक अच्छा वजूद कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में है और वो लगातार आप देखेगा कि वहां से चुनाव भी लड़ते आए हैं और एक बार विधायक भी रह चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक विधायक होना, उसके पीछे कहीं ना कहीं लाखों की तादाद में जनता होना या कार्यकर्ता होना एक अपने आप में कहलाता है। लेकिन अब देखिएगा कि जिस तरीके से धन सिंह नेगी बीजेपी का दामन सामने जा रहे हैं तो इससे साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मजबूती यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, और ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इस सीट से तो क्लीन चिट मिल ही चुकी है, क्योंकि लगातार देखिएगा कि जो कांग्रेस के नेता है वो ही बीजेपी में आ गए हैं, यानी कहा जा सकता है कि अब बीजेपी भी
कहीं ना कहीं कांग्रेस में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी जो नेता है कांग्रेस को बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धनराज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर से एक बहुत बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, नेता छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस से, अब बीजेपी में जा रहे हैं, और इससे बीजेपी को जो है वो फायदा होने की संभावना भी दिख रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी समेत 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पौड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके नवल किशोर और पौड़ी ब्लॉक प्रमुख दीपक ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। चर्चाएं हैं कि अब तीनों ही जल्द बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने विनोद नेगी ने बताया कि तीनों ही पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे थे, जिस पर कांग्रेस से भी इन्हें 6 साल के निष्कासित करने के लिए एक पत्र उन्होंने संसुति के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बेहरा को भेजा है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि हाल ही में पार्टी छोड़ चुके मनीष खंडूड़ी ने ये तीनों करीबी थे, ये भी एक वजह है कि तीनों पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और फिर सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस छोड़ने की सूचना इनके द्वारा दी गई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी श्रेणी में आपने देखा होगा कि चौबटा खाल के पूर्व प्रत्याशी श्री केसर सिंह नेगी जी और पौड़ी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी नवल किशोर और पौड़ी के ब्लॉक प्रमुख दीपक कुकसाल जी, इन लोगों के द्वारा कल अपने फेसबुक में जो है ट्वीट किया जाता है कि हम लोग पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे रहे हैं। कल रात को जब मैंने ये देखा तो मुझे बड़ा आघात पहुंचा। मैंने एक बात सोची, संज्ञान तो मुझे पहले से ही था ये लोग कुछ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं यहाँ से, क्योंकि इनके जो गुरुजी हैं वो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, मनीष खंडूड़ी जी, तो इन्होंने भी जाने जाना है, ये तय था। लेकिन ये कब जाते हैं, बस ये किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज इन लोगों ने पार्टी को छोड़ा है, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने आपकी खातिरदारी में कौन सी कमी छोड़ दी थी। आप 4 दिन आपको आए हुए नहीं हुए और आपको विधानसभा का टिकट दे दिया चौबटा खाल से। उसके बाद नवल किशोर जी की बात करूं तो पूर्व में आप काफ़ी मतों से रह गए थे, उसके बाद पार्टी ने दोबारा विश्वास बनाया, दूसरी बार आपको एक राष्ट्रीय पार्टी ने अपना टिकट देकर, अपना विश्वास देकर आपसे उम्मीद करी कि आप पार्टी के लिए जीतोगे और पार्टी की सेवा करोगे। तो जीतना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि आप लोग क्षेत्रों में बहुत गैरहाजिर रहे, उसका रिजल्ट आपने जनता ने आपको ये दिया कि जनता आपको चुनाव नहीं जिता सकी। लेकिन उसका ठीकरा भी आप पार्टी पे फोड़ रहे हो कि पार्टी हमें चौबटा खाल से नहीं जीता पाई, पार्टी हमें पौड़ी से नहीं जीता पाई। तो पार्टी क्या कर दी, पार्टी ने आपको टिकट दिया और आपकी नाकामी जो है आपको लेट हुई। इसी क्रम में दीपक कुकसाल जी को भी अभी जुमे कुछ टाइम हुआ है पार्टी में आए हुए, आपको जो है प्रमुख का दर्जा यहाँ पर मिला और पार्टी ने अपने मंचों पर आपको जो है बड़ा सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है अचानक से बोलते हैं कि हमने तो निजी कारणों से पार्टी छोड़ दी। के द्वारा मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार पार्टी की जितनी भी बैठकें हुई हैं, चुनाव जीतना हारना अलग बात है, चुनाव हारने के बाद इनको क्षेत्रों में होना चाहिए था, ये क्षेत्रों में तो दूर, ये पार्टी के किसी बैठक में शामिल नहीं होते। इन सब का संज्ञान लेते हुए आज मैंने सभी लोगों से बातचीत करी और इनको तत्काल प्रभाव से जिला कांग्रेस कार्यालय पौड़ी से तो मैंने नोटिस जारी कर दिया, जिला कांग्रेस कमेटी पौड़ी से तो मैंने इनको निष्कासन किया है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने इनकी संस्तुति पहले ही मैंने जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को देहरादून भेज दिया। तो वही लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई और विधायक हमारे संपर्क में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से आमजन बहुत प्रभावित है, वही वजह है कि कांग्रेस के विधायक नेताओं पर भारी दबाव है कि वह प्रधानमंत्री के विजन से खुद को जोड़ें। यही कारण है कि पूरे देश में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी एक माह से ज्वाइनिंग कार्यक्रम में जुटी है, इसके लिए विधायकों, पूर्व विधायकों व दूसरे दलों से चुनाव लड़े नेताओं से संपर्क भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस बात को प्रारंभ से कह रहा हूँ कि ऐसे अनेक लोग हैं जो आज मोदी जी के और माननीय पुष्कर धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, और मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा जहाँ का मैंने प्रतिनिधित्व किया और जिनसे मैं चुनाव हारा हूँ, एक बार मैंने हराया, इस बार उन्होंने हराया, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा लिया है
और ये क्रम लगातार आगे बनता रहेगा। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के अनेकों ऐसे वर्तमान सिटिंग MLA भी हो सकते हैं, पूर्व विधायक हो सकते हैं, जिनके क्रम बढ़ता चला जाएगा और लोग मोदी जी के साथ उसका धामी साथ खड़े होने को तैयार है। आज ये भी खुशी की बात है कि पौड़ी जो लोकसभा है वो पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अब हरिद्वार की ओर से फूलों की होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संत एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री के साथ फूलों की होली खेली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिला प्रेस क्लब को बधाई देते हुए कहा कि प्रेस क्लब द्वारा फूलों की होली के कार्यक्रम में हम सभी को इकट्ठा करके बहुत अच्छा संदेश दिया है। लोकसभा चुनाव पर चर्चा करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड की पांचों सीटों पर बीजेपी की विजय होगी। उन्होंने कहा है कि हरिद्वार सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आने से कांग्रेस सोचने पर मजबूर हो गई है कि हरिद्वार सीट बीजेपी की झोली में जाने वाली है, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कांग्रेस किसे बलि का बकरा बनाएगी। बहुत बधाई दे रहा हूँ। होली का त्यौहार जो पौराणिक है, सांस्कृतिक है और आध्यात्मिक है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हम होली पे सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से तमाम पत्रकार साथियों ने हम सबको मिला के और जोड़ के एक कार्यक्रम ऑफ फूलों की होली के रूप में हम लोगों ने यह मनाया। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ हैं, विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ हैं, साधु संतों का आशीर्वाद यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, कोई भी त्यौहार हमें संदेश देता है कि हम आपस में भाईचारा बना के रखें, प्यार से हम कोई भी कार्यक्रम कोई भी त्यौहार मनाएं। तो मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ और आने वाले टाइम पे बस एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि किसी प्रकार का हुड़गन या किसी प्रकार से गलत रंग के माध्यम से किसी के साथ हम कोई ऐसी घटना ना करें जिससे किसी को दिक्कत हो। हम लोग जैसा माननीय मोदी जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, उस प्रकार के हम लोग उसका भी हम सम्मान करें, उसको आत्मसात करें। सभी को होली की बहुत बधाई दे रहा हूँ और लोकतंत्र का जो महापर्व है उसका आगाज हो गया है, तो आपके माध्यम सबसे अपील कर रहा हूँ कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पांचों प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से 10 साल माननीय मोदी जी ने काम किया या धामी जी काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को हमारा प्रत्याशी इस लोकसभा सीट से बनाया है जो हमारा पूर्व में मुख्यमंत्री रहा हो, संगठन का वरिष्ठ व्यक्ति रहा हो, एक एक व्यक्ति की जिससे जान पहचान हो उससे पहुंचो, तो ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बनाना मैं समझता हूं कि ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और सभी लोग मिलके जैसा माननीय मोदी ने कहा कि अब की बार 400 पार उस आहुति में उस महायज्ञ में हम अपनी आहुति डालेंगे और हमारी ये सीट क्या, हम पांचों सीटें हमारी जो उत्तराखंड की है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। बड़े नेताओं ने मना कर दिया है, अब वो ये देख रहे हैं किसको लड़ाए, किसको बलि का बकरा बनाए, तो ये देखिए कौन बलि का बकरा बनता है, लेकिन जीतेगा तो मोदी। बढ़ते आगे, देहरादून में आज बीजेपी गोरखा प्रकोष्ठ सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और पार्टी प्रत्याशी बाला राज्य लक्ष्मी शाह के अलावा गोरखा समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि गोरखा समाज बीजेपी के विचारों से जुड़ा है और ऐसे कई कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं। वहीं कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल व गणेश जोशी ने भी इस सम्मेलन के आयोजन के लिए गोरखा समाज को बधाई दी है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बाला राज्य लक्ष्मी शाह को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। और मैं उस विधानसभा का विरोध करता हूं जो प्रदेश की गोरखा बाहुल्य विधानसभा है, जहां 28,000 से अधिक गोरखाली वोट है और मुझे समाज का आशीर्वाद 3 बार से मिल रहा है। सामने गोरखाली प्रत्याशी होने के बावजूद इस क्षेत्र से मेरे को विजय मिलती है और आज ये सम्मेलन आने वाली चुनाव के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, जिस कारण से आज सारे संगठन एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। इधर हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री बोर्ड को धन्यवाद दिया है।
इसी को लेकर उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ उत्तराखंड में बीजेपी के हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। आज हरिद्वार जा रहे हैं, संतों का आशीर्वाद लेंगे और आज से चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत करेंगे। बात करते हैं त्रिवेंद्र जी से, किस तरह से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हरिद्वार में हमारी मायापुरी है, वहाँ हमारे तमाम साधु संत रहते हैं, हमारे धर्माचार्य रहते हैं, उनसे आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद फिर भविष्य के कार्यक्रम तय होंगे और हमारी कोशिश होगी कि हर गांव हर मोहल्ले तक हम पहुँचें। यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे कि अधिकतम लोगों से मेरा सीधा संपर्क हो। त्रिवेंद्र जी, पहले रोड शो में आपने शक्ति भी दिखा दी, आपकी लोकप्रियता भी दिखी, डबल इंजन सरकार का दम भी दिखाया, चुनौती किसी को मान रहे नहीं हरिद्वार में? नहीं देखिए, अभी तो कोई सामने नज़र कोई आ नहीं रहा है, जब कोई सामने आएगा तो फिर उसके बारे में विचार करेंगे। आप देखें, हमारे साथ बात कर रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और आज से लोकसभा चुनाव की विधिवत शुरुआत करने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार की तमाम कामों की सूची उनके पास होगी और तमाम नेताओं का साथ मिलने का उन्होंने दावा किया और अपनी जीत भी सुनिश्चित बताई। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। तो वही लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने रविवार को सचिवालय में प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। इस अवसर पर उन्होंने सभी दलों से प्रदेश में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर अपील की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके दृष्टिगत सभी राजनीतिक दलों की एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग भी शुरू की जा चुकी है। साथ ही कहा कि माननीय निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सभी दल अपने उम्मीदवारों के नामांकन संबंधी प्रक्रिया, चुनावी रैली व अन्य गतिविधियों को संचालित करें। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने रविवार को सचिवालय में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन की तैयारियों को इस संबंध में बैठक ली है। बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों में सकुशल मतदान संपन्न कराने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रदेश में मतदान प्रथम चरण में होना है, इस लिहाज से बूथ लेवल तक स्वीप गतिविधियों सहित जागरूकता कार्यक्रमों को और व्यापक स्तर पर चलाया जाए। लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लगाई गई आदर्श आचार संहिता के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आचार संहिता लगने के बाद रामनगर में प्रशासन भी पूरी तरह एक्शन में आ गया है। आचार संहिता लगने के बाद ही नगर पालिका के बाद ही नगर पालिका प्रशासन द्वारा नेशनल हाईवे 309 रानीखेत रोड पर सरकारी संपत्ति व बिजली के पोलों पर लगी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसको लेकर सरकारी संपत्ति से विभिन्न हटाने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं उन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से सरकारी संपत्तियों पर किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री न लगाए जाने की अपील की है। आप अवगत ही हैं कि लोकसभा चुनाव हेतु आचार संहिता लागू हो गई है, जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कि 24 घंटे के अंदर सरकारी संपत्तियों से, 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्तियों से, 72 घंटे के अंदर निजी संपत्तियों से राजनीतिक पार्टियों के होर्डिंग्स बैनर हटाए जाने। हाँ, अभियान नगर पालिका द्वारा चालू कर दिया गया है और लगभग 150 पोस्टर्स बैनर्स हटा दिए गए हैं। बढ़ते आगे, विकास नगर के आसन बैराज पर मौजूद शमशान घाट पर जाने वाले रास्ते को जल विद्युत निगम के कुछ कर्मचारियों ने बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ग्रामीणों के अनुसार गांव में एक मौत भी हो गई है। और जब वो अंतिम संस्कार के लिए शव को लेकर शमशान घाट जा रहे थे तो जल विद्युत निगम के शमशान घाट की ओर जाने वाले रास्ते पर लगे गेट को बंद कर दिया। बार बार गुहार लगाने के बाद भी जल विद्युत निगम के कर्मचारियों के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके बाद उन्हें बड़ी मुश्किल से शव को सीढ़ियों के रास्ते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक ले जाना पड़ा। जल विद्युत निगम के कर्मचारियों की इस हरकत से स्थानीय लोगों में भारी रोष है और उन्होंने इसकी ऑनलाइन मुख्यमंत्री से भी शिकायत की है। जी, मेरा नाम वीर सिंह है। क्या मामला है?
मामला यह है जी, आज लगभग 4:20 4:15 के लगभग हम गांव के एक वृद्ध महिला का देहांत हो गया था, तो उसके शांति धाम में ला रहे थे। तो आसन बराज वाले जो गेट लगाए गए हैं यहाँ पर, आपको इसको भी जरा सा नॉलेज में लाना चाहते हैं सरकार के विभाग के कि ऐसा क्यों हुआ। तो जबकि ये हमारे आम सभा के लिए रखा गया था, तो आज वो जो है जाने के लिए उसमें जो है हमें प्रतिबंध कर दिया और उसमें गेट लगा दिए गए, खोलते ही नहीं। मर्दम सवारी वहाँ नीचे से लाई जाती है और इतनी दुर्दशा में कौन ला पाएगा? तो आम जन के लिए तो कुछ सुविधा नहीं है। इससे पहले आप यहीं से लाते थे? जी हाँ, यहीं से ये रास्ता बनाया गया है जिसमें ग्राम सभा का मूर्धघाट बनाया हुआ आप देख सकते हैं। और दूसरी ओर विभाग ने यो हमारा जो UGVN वालों ने विभाग ने बनाया है, DGM साहब से लेकर इनका पूरा डिपार्टमेंट सहमत था, उसमें इतनी लागत लगाई गई, तकरीबन 10 लाख से भी तकरीबन पैसा लगाया गया है, वो सब सहमति से हुआ है। आपका कहने है मतलब कि आधा रास्ता खुद विभाग ने बना के दिया? जी हाँ, आधा विभाग ने बना के दिया है, कुछ ग्राम सभा के माध्यम का काम हुआ है, उसमें से आप विधायक निधि वगैरह भी सम्मिलित है। तो आज ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे शमशान घाट पे आने के लिए रास्ता बंद कर दिया? ये दरअसल में क्या है कि ये जो विभाग के कुछ कर्मचारी इसमें ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था अर्थव्यवस्था के जो समाज के लोगों के लिए व्यवस्था रखी गई थी, ये इनमें कुछ मनमन्नी खोर लोग हैं जो इसमें जो है अपनी मनमन्नी करते हैं, जबकि विभाग के कर्मचारियों का आदेश शायद हो भी नहीं सकता। किन्होंने ताला लगाया? उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना की बैठक विकास नगर के बरोटीवाला में हुई, जिसमें ग्राम प्रधान BDC मेंबर के साथ साथ बैंक से संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। विकास नगर बरोटीवाला में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड महिला और बाल विकास समिति की योजना अंतर्गत प्रस्ताव किए गए हैं, जिसमें कई योजनाओं को लेकर संस्था की सचिव अनिता चौहान द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार अपनाने हेतु आत्मनिर्भर होने पर प्रेरणा दी गई तथा खाद्य प्रसंस्करण ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही नैनीताल बैंक शाखा की प्रबंधक सुचिता एवं शुभम द्वारा बैंकिंग संबंधी जानकारी दी गई। बढ़ते आगे, सभी लोगों को उम्मीद थी कि देश भर में हो रहे लोकसभा चुनाव के साथ ही मंगलौर विधानसभा में भी उपचुनाव हो जाएंगे, जिसको लेकर सभी पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। पर जैसे ही लोकसभा चुनाव का ऐलान किया गया है, उनमें मंगलौर विधानसभा चुनाव का जिक्र नहीं था। वहीं मंगलौर विधानसभा के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा है कि उन्होंने स्वर्गीय विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली हुई थी, पर उसे उन्होंने 25 नवम्बर को वापस ले लिया था। और इस पर भी चुनाव आयोग ने मंगलौर विधानसभा के चुनाव का ऐलान क्यों नहीं किया, वे नहीं जानते। क्या रह गई होगी, अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रक्रिया रही होगी, लेकिन जो है ये कह रहे हैं इलेक्शन पिटीशन, तो इलेक्शन पिटीशन की वापसी के आदेश हुए हुए हैं। कोई प्रोसीजर, कोई प्रक्रिया, कोई आखिरी लम्हे की रह गई हो अलग बात है, ये सरकारी गजट है उत्तराखंड का, इसमें ये देखिए 73वें पेज पर छपी हुई है, 21 फरवरी 2024 इलेक्शन पिटीशन नंबर ये 2022 काजी निजामुद्दीन पिटिशनर वर्सेस सरवत करीम अंसारी, ये इसकी वापसी का ये गजट प्रॉपर छपा हुआ है, सरकारी दस्तावेज है। क्या सरकार चाह रही है कि थोड़ा नहीं, अब सरकार का मैं सर किसी को आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोई हो सकता है कोई प्रक्रिया रह गई हो तो पूछना पड़ेगा, देखते हैं क्या प्रक्रिया रह गई होगी। रुड़की के सोहलपुर गाड़ा गांव में गौकशी की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गौ तस्करों ने हमला कर दिया, जिसमें एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में भी गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक शनिवार को देर रात गंग नहर पुलिस को सूचना मिली थी कि सोहलपुर गाड़ा गांव स्थित एक खेत में गौकशी हो रही है। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर छापेमारी की तो गौ तस्करों के पास 2 गौवंश थे जिन्हें वे काट रहे थे। पुलिस को देखते ही गौ तस्करों ने पुलिस पर हमला किया, जिसके बाद तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं विकास नगर के हरबटपुर चौकी में पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता में पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह ने बताया कि कालसी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को 1 किलोग्राम से अधिक चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है।
वहीं उन्होंने बताया कि यह अभियुक्त चक्राता का रहने वाला है और इसने पूछताछ में बताया है कि इसने यह चरस किस नेपाली व्यक्ति से ली है। वहीं पुलिस द्वारा और भी पूछताछ की जा रही है। आगामी चुनाव तथा ड्रग फ्री देवभूमि उत्तराखंड के दृष्टिगत हमारे द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान थाना तालसी पुलिस द्वारा एक व्यक्ति भगत राम निवासी धार्य मलेथा के पास से कल दिनांक 16 मार्च को कोटी रोड। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।